हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। सो आज हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आज और कल यानी कि टुडे एंड टुमारो आपके पर्सन क्या फील करेंगे आपको लेकर, उनकी एनर्जी, उनके फीलिंग्स, क्या एक्शन आ सकता है उनके तरफ से, आपके लिए क्या गाइडेंस है, हम सब कुछ देखेंगे। ध्यान रखिएगा कि ये जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, हर चीज़ सबके साथ मैच नहीं करेगी, सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स। चलिए देखते हैं आज और कल आपके पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। आज और कल आपके पर्सन क्या फील करेंगे, टुडे एंड टुमारो व्हाट योर पर्सन इज़ गोइंग टू फील फॉर यू। ओके, सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का है। कोई चीज़ ना बहुत ज़्यादा उन्हें प्रेशर कर रही है, ओके, या करने वाली है। दे विल बी फीलिंग वेरी बर्डन्ड। बॉटम डेक में 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। हो सकता है कि इस पर्सन ने जो भी प्रोमिसेस करे या आपको, या जो एक ब्यूटीफुल रिश्ता आप दोनों का था जिससे ये दूर भागे हैं, या फ्यूचर में जो उन्हें करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप को फिर से इस कंडीशन में लाने के लिए जहाँ पे रिश्ता स्टेबल है, लॉन्ग टर्म है, ब्यूटीफुल है, उन्हें पता है कि बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी। सो कहीं ना कहीं आई सी योर पर्सन ड्रैगिंग देयर फीट। अगले आज और कल का दिन उनके लिए बहुत ही ज़्यादा गिल्ट में, रिग्रेट में, इट्स लाइक खुलकर नहीं जी पाएंगे या खुलकर दिन नहीं बिता पाएंगे। बहुत बोझ तले दबे हुए मुझे आपके पर्सन लग रहे हैं। लेट्स सी व्हाट मोर टुडे एंड टुमारो योर पार्टनर्स फीलिंग्स। ओके, यहाँ पे दो कार्ड्स आए हैं विथ 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर। सो सिग्निफिकेंट साइन यहाँ पे स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि। देखिए, मुझे लगता है आपके पार्टनर आज और कल डेफिनेटली उन दे विल वॉन्ट टू रीच आउट, क्योंकि बॉटम डेक में ये सब वॉन्ड्स है। वो कुछ ऑफर करना चाहेंगे, एक न्यू शुरुआत के लिए ऑफर करना चाहेंगे। उनके अंदर मुझे एक दबी हुई इच्छा दिख रही है कि मुझे एक मौका मिले इस कनेक्शन में, मुझे एक मौका दिया जाए, एक फ्रेश स्टार्ट करनी है इस रिश्ते की। लेकिन जिस तरह से रिश्ता ख़त्म हुआ है या जो सिचुएशन बनी है आप दोनों के कनेक्शन में, वो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। दे विल फील एज इफ रिश्ता इतना ख़राब हो चुका है जिसके सुधरने के आसार बहुत कम है, ठीक है। एंड अगर ये रीच आउट करने के बारे में सोच भी रहे हैं तो उन्हें एक ऑकवर्डनेस फील होगी, एक हिचकिचाहट होगी, उन्हें लगेगा कि इट्स नॉट द राइट टाइम, ठीक है। ये एनर्जी होने वाली आज और कल में आपके पार्टनर की। लेट्स मूव फॉरवर्ड टुडे एंड टुमारो व्हाट योर पर्सन इज गोइंग टू फील फॉर यू। बाप रे, बहुत सारे कार्ड्स आए, इतने कार्ड्स नहीं ले पाएंगे हम। आगे बढ़ते हैं, लेट्स पुल सम कार्ड्स। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का है और बॉटम डेक में पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, अभी भी सच बताऊँ मैं आपको, आपको ऑफर करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं इस पर्सन के पास। छोटा सा कुछ ऑफर है जो शायद, देखिए, रिश्ता अगर बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हुआ है और कोई आकर आपको बहुत छोटा सा कुछ ऑफर करे तो क्या यू विल यू बी सेटिस्फाइड विद दैट? तो मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन जो भी ऑफर करने वाले हैं, दे नो ऑलरेडी, उन्हें पता है कि आप सेटिस्फाइड नहीं होने वाले हो उस ऑफर से। सो इसीलिए उनके अंदर एक कश्मकश रहेगी, एक कन्फ्यूजन रहेगा कि क्या उन्हें ये ऑफर करना चाहिए, विल यू एक्सेप्ट इट। हालांकि वो जानते हैं यू विल नॉट, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो स्टेबिलिटी, कुछ सॉलिड कमिटमेंट, कुछ बड़ा ऑफर। लेकिन अगर ये इतना सा छोटा सा शैलो ऑफर लेके आएंगे तो डेफिनेटली आप नहीं एक्सेप्ट करोगे, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है विथ 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, इस वक्त आपके पार्टनर ना समझ चुके हैं कि अगर उनके साथ ज़िंदगी बिताने के लायक कोई है तो वो आप हो। आपको, आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते भी है वैसे भी, लेकिन आज और कल में ये पर्सन आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखेंगे कि आप स्ट्रॉन्ग भी हो, आप ब्यूटीफुल भी हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आप अपनी राय रखते हो, आप खुद के लिए खड़े होते हो, एंड उन्हें ऐसा ही लाइफ पार्टनर चाहिए। यू कंप्लीट देम। उन्हें लगता है कि आप ना सिर्फ उन्हें कंप्लीट करते हो, आप उनके घर को भी कंप्लीट करोगे। ओके, थोड़ा सा शफल कर लेते हैं।
आज और कल आपके पर्सन की क्या एनर्जी होने वाली है? किंग ऑफ वॉन्ड्स है विद बॉटम डेक पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, इस पर्सन को ऐसा फील होने वाला है कि आपके ज़िंदगी में कोई और है जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, या कोई और है जिसकी नज़र है आप पे, या उन्हें ऐसा फील होने वाला है। ज़रूरी नहीं कि सच में ऐसा हो, बट दे विल फील एज इफ कोई तो है जो आपके लिए बहुत अट्रैक्टेड है, आपको पसंद करता है एंड इज़ रेडी टू पाउंस ऑन यू। एंड ये पर्सन, या तो इनको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगी कहीं से इस बारे में, या तो ये आपको स्टॉक करेंगे एंड इनको ऐसा महसूस होगा देयर इज समवन इन योर एनर्जी, इसीलिए आप उनको आसानी से माफ़ नहीं कर रहे हो। व्हाट मोर डू वी हैव? आज और कल में ये पर्सन क्या कोई एक्शन लेंगे? डिवाइन प्लीज़ गाइड करे। ओके, जो कार्ड निकल के आया है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, टेन ऑफ कप्स है। देखिए, उन्हें तो एक चीज़ पूरी तरह से पता है कि भले ही आप नाराज़ हो, गुस्सा हो, डिसअपॉइंटेड हो, भले ही आपने अपने गार्ड्स अप कर लिए हैं, आप नहीं अलाउ कर रहे हो, बट उसके पीछे है बहुत सारा प्यार। ओके, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मुश्किल तो होगा आपको फेस करना, आपका दिल जीतना, लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप एक बहुत ही क्लोज इंटीमेट कनेक्शन में रह चुके हो। कुछ लोग तो यहाँ पे मुझे लगता है कि लीव इन में भी रह चुके हो, साथ रह चुके हो, लाइक अ मैरिड कपल। ओके, और यहाँ पे कुछ लोग तो शादीशुदा भी है। सो दे नो के आसान नहीं होगा, बट नामुमकिन भी नहीं है। देखिए, अगर ये नेक्स्ट आज और कल में अगर कोई एक्शन लेते हैं तो काफ़ी धीरे धीरे एक्शन होगा इनका। पहले तो वो आपकी नाराज़गी को मिटाने की कोशिश करेंगे। क्या जो लोग जिनके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी के लिए क्या एनर्जी है, थर्ड पार्टी को लेकर क्या एनर्जी है? मैं सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ जिनके केस में है थर्ड पार्टी। ओके, नॉट फॉर एवरीवन। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द लवर्स। देखिए, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि प्यार को मुझे लगता है अगर किसी थर्ड पार्टी में है आपके पार्टनर, तो प्यार को प्रूव करने की जंग दिख रही है मुझे। और जहाँ पे प्यार प्रूव करना पड़े, आप समझ जाओ कि वहाँ पे प्यार है या नहीं। ओके, जेमिनी एनर्जी है, मिथुन राशि। ओके, इस पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या है आपके लिए आज और कल? ऐसी क्या फीलिंग्स है जो ये शो नहीं करेंगे बट फील करेंगे? नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड टेन ऑफ कप्स। देखिए, ये पर्सन देखिए क्या है ना, इस पर्सन की इंटेंशन तो आपके साथ फैमिली बनाने के है, आपके साथ शादी करने के है, पहले जैसे फुलफिलिंग रिलेशनशिप में आने के है, लेकिन वो ऐसा दिखा सकते हैं एज इफ आई एम जस्ट हैविंग फन, मैं इतना सीरियस नहीं हूँ, लेट्स हैव फन। जानते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, आपसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, बट इनका इंटेंशन होगा ये टेन ऑफ कप्स। ओके, आपके लिए आपकी फीलिंग क्या होने वाली है आज और कल में, आप क्या महसूस करोगे? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। बापरे, मुझे तो आप बहुत ही ज़्यादा जैसे आपने अपने दिल पे लॉक लगा के रखा है, यू आर नॉट अलाउिंग एनी वन कि कोई भी आकर आपका पीस ऑफ माइंड स्पॉइल करे। ठीक है, आप मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में दिख रहे हो यहाँ पे। यू आर लाइक नो ब्रो, अगर तुम सीरियसली कुछ बहुत बड़ा ऑफर लेके आ रहे हो, मुझे प्रूव करोगे, कर पाओगे तो ही आओ, वरना दूर रहो मुझसे, आई एम ओके विदाउट यू। ठीक है, ऐसी एनर्जी रहेगी। व्हाट मोर, आपकी और क्या एनर्जी रहेगी? फाइव ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, यू ऑल्सो मिस, आप भी मिस करते हो, क्योंकि आप ही दिल अभी दिल ही दिल में इस पर्सन को अपना परफेक्ट लाइफ पार्टनर देख चुके हो या देखते हो। नो कि आप अगर खुश रह सकते हो किसी से, अगर आपको शादी करनी है तो ये वही इंसान है, ये यही इंसान है, यू नो दैट। बट इट्स लाइक आपको ऐसा लगता है कि जो भी हुआ है पास्ट में, क्या ये पर्सन सुधरेगा कभी? क्या कभी भी ये दिल से प्यार करेगा मुझसे? यू नो द बिटर ट्रूथ यहाँ पे कि इस पर्सन ने ऑलरेडी मुझे काफ़ी हर्ट किया है। वन लास्ट कार्ड फॉर यू,
आपकी एनर्जी के लिए। फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स, देखिए आप चाहते हो ये पर्सन की ज़िंदगी में जो भी मसले हैं, फैमिली इशूज़ है या करियर इशूज़ है या दोस्त या थर्ड पार्टी जो भी है, ये उनसे लड़कर फिर आपसे रीच आउट करें। यू डोंट वॉन्ट टू, मतलब आप उनके प्रॉब्लम्स का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। यू वॉन्ट कम्युनिकेशन फ्रॉम देम, आप चाहते हो वो आपसे कनेक्ट करे, बट वो अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आपके पास ना आए, ठीक है। सो या दैट इज़ वॉट आई सी हियर। चलिए देखते हैं कि आपके लिए लव मैसेजेस क्या है फ्रॉम योर पार्टनर, आज और कल क्या कहेंगे या क्या कहना चाहेंगे आपसे। पहला कार्ड यहाँ पे, आई नीड यू, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। आई नीड मोर टाइम टू फिगर थिंग्स आउट, तो इनको और वक्त चाहिए चीज़ों को सुलझाने के लिए। यू हैव नो आइडिया द पेन यू हैव कॉज्ड मी, तो ये अभी भी आपको ब्लेम कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, इनको लगता है आपने इनको दुख दिया है, दर्द दिया है। माई हार्ट एक्स फॉर यू, तो तुम्हारे लिए मेरा दिल पसीजता है, दर्द देता है। आई अप्रिशिएट द लेसन्स यू टॉट मी, तो तुमने मुझे जो कुछ सिखाया है वो उसके लिए आपको अप्रिशिएट करते हैं। आई लव यू, तो ये आपसे आई लव यू बोल रहे हैं। एंड जो लास्ट मैसेज है वो है आई डोंट डिज़ायर एनी वन द वे आई डिज़ायर यू, तो जिस तरह से मुझे तुम्हारी चाहत है मुझे किसी और की चाहत नहीं है। एंड बॉटम डेक में है आई विश वी कुड बी टुगेदर राइट नाउ, तो वो प्रे कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, होप कर रहे हैं कि काश हम साथ होते अभी। सो दैट वॉज इट, आई होप रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।